Hey guys, welcome back to another vlog. आज है कौन सी डेट है आज? क्या डेट है आज? 19th of November. सर्दियों का पहला व्लॉग है ये, दिख गया होगा आपको. आज हम जा रहे हैं करनाल में, लगा हुआ है करनाल, क्या लगा हुआ है, ट्रेड एक्सपो. मेरे साथ है मम्मी. ये बहुत जल्दी जल्दी प्लान बना कि अभी अभी समय हुआ सात और आज वहां बिग बी आ रहे हैं. बिग बी जो अमिताभ बच्चन की कॉपी नहीं है वो आ रहे हैं. अब हम चलते हैं, दिखाते हैं. बहुत आज वैसे सैटरडे भी है, हम कल भी जा सकते हैं संडे, बट हम थोड़ा सा बिजी थे, हमने कहा चलो आज ही चलते हैं. और वो बिग बी भी आ रहे हैं तो सब कुछ दिखाएंगे आपको. अब हम पहले चलते हैं और हम झूले तो लेंगे नहीं, आप लोगे ना. तो जैसा होगा दिखा देंगे आपको, चलो चले. So, कुछ खास है क्योंकि इस महोत्सव में पूरे भारतवर्ष से हमारे जी वही भैया जो पहले ट्रेड फेयर में मिले थे हमें, इन्होंने सब्सक्राइब भी किया था और इनका भी चैनल है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. भैया आपके चैनल का नाम क्या है बता दो सबको. चिंतपूर्णी भोजपुरी वन. ठीक है, सब्सक्राइब कर लो सारे जितने भी हो. मेरा सुबह का जल्दी उठना सफल हो जाता है जब आप लोग हैंड रेस करते हैं, जब आप लोग बोलते हैं कि हम सुनते हैं, और मेरे लिए अब ज्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि सर्दियों में उठ के आना सुबह 6 बजे और 7 से 11 फिर आप लोगों को एंटरटेन करना. लेकिन जब आप जैसी ऑडियंस, जब आप जैसे लोग इतना प्यार, इतनी ब्लेसिंग देते हैं तो उठने का मन अपने आप कर जाता है. स्वागत है आप सभी का आज इस केबीसी में. आज हमारे सामने हरियाणा से ये हमारे एक शानदार तौर इस हॉट शीट पर आप सभी के सामने बैठे हैं. और
मैं चाहूंगा कि आज आप सब लोग इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं और मैं चाहूंगा कि आज ये ज्यादा से ज्यादा धनराशि यहाँ से जीत के जाए। लेकिन देखिए आज ये कितने रुपए यहाँ से जीत के जाते हैं। तो ताऊजी मैं शुरू करने से पहले एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर आज यहाँ से आप 1 करोड़ रुपए जीत के जाते हैं तो सबसे पहले कौन सा कार्य आप करेंगे? ताऊ ने बोला भाई सब तो पहले 100 का नोट खुला कराऊंगा और 10 से 3 सोरिया ने दूंगा। क्या बात है। और जिनके लिए आज यहाँ पे आप आए हैं बस वो आप सबके बीच में विद इन फ्यू मिनट्स वो स्टेज पे होंगे। मैं चाहूंगा कि एक बार जिस हॉट सीट को देखने के लिए यहाँ पे आप दूर दूर से आए हैं, पूरा करनाल करनाल के आसपास के लोग जुटे हैं, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां। कोई भी आर्टिस्ट जब आपके शहर में आता है, आपकी नगरी में आता है, मुझे लगता है कि दिल खोल के उनका स्वागत करना चाहिए। और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो वी इवेंट्स हैं, उन्होंने इतना बड़ा शानदार एक्सपो लगाया है, एक जगह पूरे करनाल को जोड़ दिया है। दिस इज हाइड्रोलिक राइड जो फर्स्ट टाइम हमारे करनाल में आई है। जब आप लोग जोश बनाते हैं, जब आप लोग जोश दिखाते हैं तो ऑर्गेनाइजर्स का मन करता है कि हम इससे भी बड़ा इवेंट करें, इससे भी बड़ा ट्रेड एक्सपो लेके आए। एक बार जोरदार तालियां इस अमेजिंग इस मेस्मराइजिंग शाम के लिए और इस अमेजिंग से ट्रेड एक्सपो के लिए। और रेडियो सिटी इस ट्रेड एक्सपो के रेडियो पार्टनर भी है और बहुत से लोगों को मैंने फ्री राइड्स के पासेस भी जितवाए हैं। अभी भी आप जीत पाएंगे लेकिन उसके लिए थोड़ा सा जोश होना चाहिए। ऑडियंस 2 मिनट तालियां बजाएंगे तो 2 घंटे का मजा टूटेंगे। और से करनाल वालों जोरदार तालियां कमल अभिमान। अरे बजाने में नहीं, कोई ताली बजाने के लिए पीछे ले हो गए हैं। अक्सर 100 का नोट दे ताली बजाने के भी। इतनी बड़ी ऑडियंस आई है मेरे यार, बजा दो। अरे इनका क्यों स्वाद है। और अभी हम करेंगे कौन बनेगा करोड़पति। चलिए आप रेडी हो सब लोग,
आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, पता नहीं क्यों, खाना खाना बाकी है या क्या है? किस किस का मन है इस स्टेज पे आके इस हॉट सीट पे बैठने का? Raise your hands. और जिनके अंदर थोड़ा जोश होगा, सिर्फ हाथ खड़े करने से बात नहीं बनने वाली है, थोड़ा सा जोश भी होना चाहिए, आने की एक्साइटमेंट भी होनी चाहिए. सबसे पहले मैं इनवाइट करती हूँ इस खेल का शुभारंभ करने के लिए आपके साथ, जो आपके साथ खेलने वाले इस प्यारे से शो को, श्री अमनदीप चावला जी, प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत करें. और चाहूंगी आप अपनी अपनी सीट पर विराजमान हो जाए. शशिकांत पड़ाल आप सबके सामने लेके आया हूँ. पांच कोटि मां बने कौन बनेगा टेंशन फ्री. देवी सज्जनों, अभी हमारे सामने आपके करनाल के रहने वाले बहुत ही बढ़िया शख्स मेरे सामने बैठे, चावला साहब. सर आपका स्वागत है जी. सर एक बात कहना चाहूंगा मैं, किसी किताब में मैंने पढ़ा था, किसी महफिल में अगर एक सरदार हो तो वो 1000 के बराबर होता है, और आज आप यहाँ पे आ गए हो तो आप तो 1000 के ऊपर हो गए हैं, तो जितनी भी जनता है 1000 से बढ़ गई है. तो एक बार सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए जी. सर क्या कर रहे हैं आजकल आप? जी जी जी, पार्टी का प्रेसिडेंट हूं करनाल. क्या बात है सर, स्वागत करते हैं आपका. और बहुत बहुत शुभकामना देते हैं आपको कि हम चाहते हैं कि ईश्वर करें आप इतने आगे बढ़े, और जितने भी देवी और सज्जन है इनके आपके हाथों से इनकी सेवा हो. पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, आपकी स्क्रीन के बारे माधुरी दीक्षित नेम इन तेजाब वॉज, माधुरी दीक्षित का फिल्म तेजाब के अंदर क्या नाम था? और मैं गेम्स के रूल्स में आपको बताना चाहता हूं कि कहीं भी आपको दुविधा हो, कहीं भी आपको दुविधा हो तो लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं. यहां पर आपके पास एक लाइफलाइन है 50-50, जब भी आप चाहो अगर आपको लगे कि किसी जवाब देने में आप असमर्थ हैं तो हमें बताइएगा, कॉम्प्रोमाइज तुरंत आपको एक लाइफ लाइन देंगे जिसका नाम है 50-50. उसमें दो गलत जवाब निकल जाएंगे, एक सही रहेगा एक गलत रहेगा, उसमें से आपको एक चुनना है. ओके आर यू रेडी? और हर पार्टिसिपेंट के साथ हम एक सवाल लेंगे, और एक सवाल जीतने के बाद वो यहां से राशि लेके जाएंगे. पता नहीं अभी राशि कितनी है क्या है हमें नहीं बताया गया, लेकिन ढेर सारे गिफ्ट भी है यहाँ पर, तो ढेर सारे गिफ्ट यहाँ पर सब लेके जाएंगे. हेलो सर, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे? ये बीच में सर आपको शुभ नाम क्या है? हिमांशु नारायण. हिमांशु क्या करते हैं आप? मैं कलाकार भी हूँ और पत्रकार भी हूँ. कलाकार भी और पत्रकार है. सर मैं बताना चाहता हूँ, पत्रकार को हम बहुत डरते हैं. नहीं नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, बस सच्चाई दिखाने का प्रयास करते हैं. जी जी जी. सर मैं चाहूंगा कि कल उल्टा सुल्टा में छाप दीजिएगा. नहीं नहीं नहीं, आपके लिए बेहतरीन कुछ छापेंगे, क्योंकि आप करनाल में आए हैं, एक बेहतरीन कलाकार हैं, मेहनत कर रहे हैं, और जो भी इंसान कलाकार होता है, मेहनत करता है, वो फिर बुलंदियों पर ही जाता है. जी, और आपने बताया कि आप एक कलाकार हैं, तो कलाकार किस रूप में हैं? मैंने कुछ फिल्म और वेब सीरीज के लिए काम किया है. दिल्ली क्राइम नेटफ्लिक्स पे एक वेब सीरीज आई थी, निर्भया कांड पे बेस्ड थी, जिसके अंदर मैंने काम किया. अभिषेक बच्चन की एक फिल्म आई थी द बिग बुल, आपके ही बेटे की फिल्म थी, उसमें मैंने काम किया है. एक तो वेब सीरीज और है जो अभी पाइपलाइन में है, अभी रिलीज नहीं हुई है. एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए हिमांशु जी के लिए, प्लीज. यार करनाल में कितने बड़े कलाकार हैं यहाँ पर, वाह बड़ा अच्छा लगता है. एक कलाकार जब दूसरे कलाकार को मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है, और साथ में जब कोई राजनीतिक नेता बैठा हो जो कि पब्लिक के जो हर काम करते हैं, जब भी उनकी जो जो चाहने वाले लोग हैं उद्विधा में हो तो चावला साहब झटके से आगे आ जाते हैं और उनकी सेवा करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है. तो सर चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर है, आप दोनों मिलकर इसका जवाब दे सकते हैं. माधुरी दीक्षित नेम इन तेजाब वॉज, ये रहे उसके ऑप्शन. ए माधुरी, बी पूजा, सी मोहिनी, और डी रितु. मोहिनी. सर सोच समझ के जवाब दीजिएगा. दो पे थोड़ा सा डाउट है, लेकिन इसका जवाब जो है मुझे मोहिनी लग रहा है, क्योंकि मोहिनी एक तो अट्रैक्टिव नाम है, और जहां तक मुझे याद आ रहा है जो मैंने फिल्म देखी है, मोहिनी नाम जी. सर कई बार होता है कि जो जनता जो है वो गलत जवाब दे देती है.
जनता की बात में सुनेंगे, जब अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस है तो पहले वो कोई नहीं। आपके जो मित्र हैं क्या चाहते हैं? मोहिनी क्या किया जाए? लॉक किया जाए? चलिए कॉम्प्रोमाइज है, प्लीज लॉक सी मोहिनी। कि कोई दुविधा हो तो लाइफ प्लान का इस्तेमाल कीजिएगा। आपने कोई लाइफ प्लान का इस्तेमाल नहीं किया, झट से जवाब दिया आपने ऑप्शन सी, और सर आपने जो जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब। प्लीज गो अगेन। क्या बात है सर, यहाँ से अभी आप एक बड़ा अच्छा गिफ्ट जीत चुके हैं और हम चाहेंगे कि वो जो गिफ्ट है वो आपको मिले। कोई भी अच्छा जो आपको लगता है, क्योंकि कलाकार कुछ भी सुनाए वो बेहतरीन होता है। फिर एक डायलॉग नहीं, आपने कहते कहते कहा कि एक आप सुनाए उसके बाद कुछ सुनाने वाले हैं, तो आप पहले आप सुना दीजिए सर। पहले आप सुनाइए सर, आप बड़े हैं, पहले आप पहले आपकी गाड़ी निकल जाएगी सर। पहले आप सुनाइए, आप बड़े हैं इसलिए हम आपका आदर कर रहे हैं। फिर भी क्या सुनना चाहेंगे आप ये बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा कि वही डायलॉग आपको सुनाऊं। कोई भी जो भी अच्छा लगे आपको, कलाकार कुछ भी सुनाता है तो वो बेहतरीन होता है। यहाँ पर मैंने देखा कि चावला साहब हैं और उनकी उनके जो मित्र हैं, एक कलाकार है, एक पत्रकार हैं, और जो पत्रकार होते हैं वो अपने पेन से ऐसा कुछ लिख देते हैं कि एक बड़ी अच्छी कहानी बन जाती है, और जब हम अखबार पढ़ते हैं तो इन्हीं का जितना श्रेय होता है वो हम भूल जाते हैं। लेकिन मैं मेरे कई सारे मित्र पत्रकार हैं, मैं देखता हूँ कि रात रात भर जाग कर लिखते हैं, तब जाके हम अखबार दूसरे दिन पढ़ पाते हैं। और सर मैं सैल्यूट करता हूँ आपकी जो लिखनी है, आप जो लिखते हैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और बाबूजी की कविता मुझे याद आ रही है, वो कविता मैं आप दोनों को समर्पित करता हूँ। आग्नेय पथ आग्नेय पथ आग्नेय पथ वृक्ष हो गए हो बड़े, एक पत्र छावे मांग मत मांग मत मांग मत, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, तू न रुकेगा कभी, तू न झुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथ पथ लथ पथ लथ पथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। मैं बताना चाहता हूँ ये जो कविता है ये बापूजी ने 1935 में लिखी थी, जब हमारा देश आजाद नहीं था, और उस वक्त लिखी थी जब हमारे देश के जो नौजवान हैं उनको प्रोत्साहन देने के हेतु ये कविता लिखी गई थी, और आज भी कई सारे प्रोग्राम ये कविता बोली जाती है। तो मैंने चाहा कि चावला साहब और आप सब लोग इतना अच्छा काम करते हैं, ये पूरी जनता जो है उनको डेडिकेट करता हूँ ये डायलॉग, और धन्यवाद देते हैं। सर आप कुछ कहने वाले थे बताइए। हाँ, चलो एक डायलॉग मैं सुना देता हूँ, और उसके बाद मुझे भी काम करना है, रिकॉर्ड करना है, मैं वो करूंगा। अक्सर जब मैं मुंबई था तो ऑडिशन देने के लिए हम जाते थे अलग अलग जगह पर, और पूरा दिन हम भाग दौड़ वगैरह, तो एक वो कहते थे सेल्फ ऑडिशन दे दीजिए, तो एक डायलॉग जो मैंने याद किया हुआ था जो मुझे हमेशा याद रहता था वो इस तरीके से है। तो आज फिर वही बहस चालू है तुम दोनों के बीच, रोजा तुम इसे समझाती क्यों नहीं हो? इस जिंदगी में हमारे दो ही मकसद हैं, एक हमारे आका के हुक्म को अच्छे से पूरा करना, और दूसरा बेशुमार दौलत कमाना, पैसा पैसा कमाना। डू यू अंडरस्टैंड मिस्टर नियाज? भेजे में घुसी बात, ये जो तुम्हारी बेतुका बातें है ना, इससे मुझे बगावत की बू आती है। जी तो करता है इस नेक काम की शुरुआत तुम्हारी ही कुर्बानी के साथ कर दूं, पर ये रोजा रोजा तुम्हें हर बार बचा लेती है। मिस्टर नियाज एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम्हें वही करना होगा जो हम कहेंगे, बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे बिना कोई फालतू बकवास किए, वरना रोजा भी तुम्हें खल्लास कर देगी। शुक्रिया जी। सर ये डायलॉग जो था आपको स्क्रीन टेस्ट के लिए दिया गया था उस वक्त, और आप आज भी आपको याद है? याद जी जी जी। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामना देते सर आपको भी, अनेक अनेक धन्यवाद। आइए प्लीज इनको एक गिफ्ट दिया जाए। चलिए देवियों से जुड़ा नमस्कार करता हूँ, और आपने देखा कि यहाँ पर हमारे कई सारे प्रमुख अतिथि यहाँ पर हैं, मैं स्वागत करता हूँ सर आप सबका, और ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम आपके सामने बैठे हैं जी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, आपके सामने एक स्क्रीन है और इसके ऊपर एक सवाल आएगा, आपको जवाब देना है, आपको सही जवाब देना है। और मैं बताना चाहता हूँ देवी और सज्जनों कि इसके अंदर आपको कहीं भी दुविधा हो तो लाइफ लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ओके, 50-50 करके एक लाइफ लाइन है, आप किसी भी मित्र की भी सहायता ले सकते हैं।
ओके चलिए हम आपको एक आप एक सवाल आपको पूछेंगे, एक आपको एक आप चलिए अभी दूसरा प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। चलिए कॉम्प्रोमाइज है सर आपका शुभ नाम संजय जी। संजय जी ये रहा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं? ये रहा इसका ऑप्शन, ए 204, बी 205, सी 207 और डी 206। संजय जी समय की कोई पाबंद नहीं है, ये पूरा एक मिनट आपके पास है, सोच समझ के जवाब दे सकते हैं आप, टाइम की सर एक मिनट की लिमिट है जी। और अगर आपको दुविधा हो तो लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके सामने ही आपके पड़ोस में ही है बहुत ही बड़ी हस्ती बैठी है, आप इनकी भी सहायता ले सकते हैं भाई साहब। भाई ऑप्शन डी 206। ऑप्शन डी 206। सर ये मुन्ना भाई एमबीबीएस एक फिल्म थी और उसी फिल्म से ये प्रश्न लिया गया है। आपने फिल्म देखी है? संजय दत्त की। संजय दत्त की देखी आपने फिल्म? देखी है। क्या किया जाए, लॉक किया जाए? लॉक किया जाए। सोच समझ के जवाब दीजिए सर। आर यू रेडी? ओके डन। चलिए कॉम्प्रोमाइज है प्लीज, लॉक डी 206। अगर आपने कहा होता कि ए 204 तो गलत होता, अगर आपने कहा होता कि बी 205 तो गलत होता, लेकिन अगर आपने कहा होता कि ऑप्शन सी 207 तो भी गलत होता। बिल्कुल सही जवाब, प्लीज गिव मी हैंड। तीसरा प्रश्न मैडम जी मेरे सामने है, चलिए कॉम्प्रोमाइज है। तीसरा प्रश्न क्या किया जाए, अगर आपको दुविधा हो तो लाइफ लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहां पर 50-50 करके ऑप्शन है, दो गलत जवाब हर इसमें हट जाएंगे। लाइफ लाइन लिए आपने 50-50 देवी जी, अभी आपके सामने ऑप्शन बी है करीना कपूर एंड सी करिश्मा कपूर। करीना कपूर। अभी भी आपको दुविधा हो तो यहां पे आपके ढेर सारे मित्र हैं, आप इनके किसी की सहायता ले सकते हैं आप। सी करिश्मा कपूर। सी करिश्मा कपूर गलत। ओके चलिए कॉम्प्रोमाइज है प्लीज, लॉक सी करिश्मा कपूर। मैडम जी आप अखबार पढ़ती हैं, टीवी वगैरह देखती हो, कई सारे गॉसिप्स आते हैं, कई सारे कलाकार होते हैं उनके कुछ अलग अलग नाम होते हैं, आपने कहीं पढ़ा था ये? पर दोनों में ही कंफ्यूजन था। कंफ्यूजन है जी, दोनों ही रख लिए। करिश्मा कपूर मुझे, ये दोनों बहने हैं और पता नहीं चलता कि किसको क्या बोला जाता है, या हमें भी पता नहीं है, देखते हैं कॉम्प्रोमाइज क्या कहते हैं। चलिए कॉम्प्रोमाइज है प्लीज, लॉक सी करिश्मा कपूर। बिल्कुल सही जवाब, प्लीज गिव अगेन। हिट 6 sixes इन वन ओवर, युवराज सिंह ने एक ओवर में 6 sixes लगाए थे और वो अभी तक मेरे ख्याल से रिकॉर्ड किसने ब्रेक नहीं किया है जी, और वो हिंदुस्तान के बहुत ही शानदार जानदार बैट्समैन है और सब लोग जानते हैं युवराज सिंह जब आते थे ऑलराउंडर हैं और वो मैच जो है वो चेंज कर देते हैं माहौल उसका, बड़े ही विश्वासु जिन्हें कहा जाता है। ये रहा उसका ऑप्शन ए स्टुअर्ट बोर्ड, बी जेम्स एंडरसन, सी स्टुअर्ट लिटिल एंड डी मॉर्ने मॉर्गन। सर समय की घड़ी शुरू हो चुकी है, ऑप्शन फिर एक बार मैं पढ़ता हूं, ए स्टुअर्ट बोर्ड, बी जेम्स एंडरसन, सी स्टुअर्ट लिटिल एंड डी मॉर्ने मॉर्गन। अगर आप चाहो तो लाइफ लाइन के लाइफ लाइन लेना चाहेंगे 50-50 ऑडियंस पोल, तो सर एक आप से
वोटिंग मीटर दे चुके हैं और आपका वक्त ऑडियंस में मेरे मित्र बैठे हैं जी, क्या नाम उनका? नारंगी, मिस्टर नारंगी, हिमांशु नारंगी, हिमांशु नारंगी, हिमांशु जी नमस्कार करते हैं आपको जी। आपके मित्र मेरे सामने बैठे हैं और इस समय वो 50 लाख रुपए जीत चुके हैं जी, और वो एक प्रश्न बैठक है, वो आपकी सहायता लेना चाहते हैं। क्या करना चाहेंगे आप? जी क्या किया जाए? ऑप्शन ए को लॉक किया जाए, चलिए कॉम्प्रोमाइज है। सर क्या करना चाहेंगे आप, इनके साथ जाना चाहेंगे? मैं जाना चाहूंगा, मेरा मित्र है ना, आपके मित्र है और आप मित्र के ऊपर जरा विश्वास रखते हैं। बिल्कुल जी, ऐसा प्रतीत होता है हमको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इन्होंने कहा कि ऑप्शन ए को लॉक किया जाए, चलिए कॉम्प्रोमाइज है, प्लीज लॉक ए स्टोर बोर्ड। सर आपको इतना विश्वास है हिमांशु जी के ऊपर, आपको लगता है कि उन्होंने जो जवाब दिया है वो सही दिया है? पूरा सही, 100% 100%। चलिए कॉम्प्रोमाइज है, हमें बताइए इनका जवाब सही है गलत? बिल्कुल सही जवाब, क्या बात है सर। सबसे पहले स्वागत है आपका, आप चेयरमैन हैं और आपकी तारीफ में बहुत कुछ कहा गया है देवी जी ने। और सर आपका शुभ नाम? अर्जुन पंडित, क्या बात है, आपके नाम में इतना दम है कि क्या बताया आपको, वाह, काम में भी दम है जी। सर सर एक माइक लीजिए आप, जैसा नाम है वैसे काम भी ऐसे ही है, तेज इंडिया। क्या बात है सर, बहुत बहुत बधाई। शॉपिंग पोर्टल है सर जी जी, जो 26 नवंबर को इसकी ऐप लॉन्च हो जाएगी जी, जो स्वदेशी है, जितने भी अमेजोन फ्लिपकार्ट ये सारे विदेशी हैं। बिल्कुल वो विदेशी हैं और आपका जो है स्वदेशी है, ये स्वदेशी है और ये सेम वैसे काम करेगा जैसे अमेजोन करता है। यस, चलिए देवी और सज्जनों आगे बढ़ते हैं, कौन बनेगा टेंशन फ्री में? अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। मैं फिर एक बार बताना चाहता हूँ सर आपको, अगर आपको कहीं भी दुविधा हो तो लाइफलाइन का आप इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, यहाँ पे 50-50 करके एक लाइफलाइन है और सेकंड जो लाइफलाइन है आप किसी भी मित्र की सहायता ले सकते हैं। आर यू रेडी? तो चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। संजय दत्त फर्स्ट वाइफ नेम इज, संजय दत्त की पहली पत्नी का नाम क्या था? ये रहे उसके ऑप्शन, ए पत्नी कोल्हापुर, बी मान्यता, सी ऋचा शर्मा एंड डी पूनम दिलन। सर सी ऋचा शर्मा। सर सोच समझ के जवाब दीजिएगा, अगर आपने गलत जवाब दिया तो आज यहां से आप कुछ ही नहीं लेके जाएंगे और मुझे बड़ा दुख होगा। अरे श्योर, कॉन्फिडेंट, लॉक किया जाए, चलिए कॉम्प्रोमाइज है, प्लीज लॉक सी ऋचा शर्मा। सर आपने ये कहीं पढ़ा है, ये कहीं पढ़ा था या कैसे, क्या सोच के जवाब दिया आपने ये ऋचा शर्मा? उनकी वाइफ थी फर्स्ट वाइफ, इसके बारे में कोई जानकारी थी आपको? अभी सेकंड वाइफ मान्यता है, सेकंड वाइफ मान्यता है, ये तो बात सही है। चलिए कॉम्प्रोमाइज है, हमें बताइए इनका जवाब सही है गलत? बिल्कुल सही जवाब, प्लीज क्लैप योर हैंड्स। चलिए अर्जुन जी अभी आपकी बारी है, अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। नेम द फर्स्ट इंडियन वुमन रेसलर टू विन द मेडल इन ओलंपिक्स, ऐसी कौन सी महिला है जो हमारी इंडिया की है जिसने कुश्ती के अंदर पहला मेडल हमारे इंडिया के लिए लाया था? ये उसका ऑप्शन, ए मेरी कॉम, बी साक्षी मलिक, सी गीता फोगट एंड डी प्रियंका जॉर्ज। फिफ्टी फिफ्टी लेना चाहेंगे, कॉम्प्रोमाइज है, हमारे सामने अर्जुन जी है वो 50-50 का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो प्लीज दो गलत जवाब यहां से इनका दीजिए। सर ए है मेरी कॉम और बी है साक्षी मलिक, क्या करें, क्या करना चाहेंगे आप? सर सोच समझ के जवाब दीजिएगा, मैं अभी भी कह रहा हूं आपको, अगर आपको कोई दुविधा हो तो यहां पे कई सारे मित्र हैं, आप उनकी सहायता ले सकते हैं।
जी क्या करना चाहिए आप? क्या किया जाए? वॉक किया जाए? ए मेरी कॉम? यस। चलिए कॉम्प्रोमाइज है, प्लीज लॉक ए मेरी कॉम। बताइए इनका जवाब सही है गलत? सर ये जवाब सही जवाब है साक्षी मलिक। चलिए कोई बात नहीं, और आपने यहां पर आके जो हिस्सा लिया और आपने तेज इंडिया के बारे में जो बताया, हरियाणा की, तो मैं तालियों के साथ स्वागत करती हूं सुपरस्टार हरियाणवी लोकगीत कलाकार श्री गजेंद्र फोगाट। स्टेज पर आमंत्रित कर दूं मिसेस रश्मि बेनीवाल, शी इज अ फैशन डिजाइनर, इंटरनेशनल फैशन डिजाइनर। हमारे बीच मिल के वो खूबसूरत खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं, और जिन्हें बनाया ऐसा खुदा ने वो आज इस महफिल में आया है। बैठ के वाह वाह वाह, तालियां तालियां प्लीज। क्या सामने कर रहे हो, जोरदार तालियां। चलिए खेलते हैं एक प्यारा सा खेल जिसका नाम है कौन बनेगा नंबर थ्री। जी एक माइक है, एक माइक दीजिएगा। से लग रहा है जी जी। आदतें भी वैसी पाई आपने, सर होंठ भी ऐसे ही काटा आपने। आप एक बार अमिताभ बच्चन साहब के लिए तालियां बजाइए। देखिए वैसे तो ऐसा जी, मैं आपको बताऊं, ग्रंथों में लिखा है कि कलाकार के कहने से अगर कोई तालियां नहीं बजाता तो अगले जन्म में घर घर जाके तालियां बजा बजा के पैसे मांगने पड़ते, सारे बजा दो इसलिए आपका अगला जन्म सुधर जाएगा, सेफ हो जाएगा। सर सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं हम, और हमने सुना है कि बहुत ही आपका काफी नाम है और बड़े अच्छा गाते हैं सर आप, हम चाहते हैं कि आपकी आवाज में अच्छा लगे, जो हमारी जनता को अच्छा लगता है वही सुना दीजिएगा। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से संभलता है दिल, क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, हमें एतबार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, तन तुमसे प्यार कितने कौन कहे, तुम काले की मैं खाल सार लूं सारे। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया सुनाई दी गई आवाज, सुनाई दी गई आवाज किस सिंगर की है? अभी आपको एक आवाज सुनाई देगी, आपको ये बताना है कि ये जो आवाज है किस सिंगर की है। फिलहाल तो मुझे झूले की आवाज आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है पढ़ना सा खड़ खड़ खड़, इसमें तेल पानी कराओ भाई। कॉपर माशा है, प्लीज गाना सुना जाए। चलिए कॉम्प्रोमाइज है, हमें बताइए इसके ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए असलम अतीफ असलम, बी कैलाश खेर, सी दर्शन रावल, और डी कुमार सानू। वो जो दो में से एक आता है वो वाला दे दो। सर उसको 50-50 कहा जाता है। हाँ बिल्कुल, आप 50-50 लेना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल सर। चलिए कॉम्प्रोमाइज है, हमारे सामने बहुत बड़े सिंगर बैठे हैं और वो चाहते हैं कि ये जो प्रश्न है इसके दो गलत जवाब यहां से मिटाए जाए, 50-50 हो गया। सर सी दर्शन रावल और डी कुमार सानू। ऐसा ऐसा मैंने गलत बता दिया था, हिम्मत ही नहीं बचा दोगे ना, क्योंकि मैंने घरानियों का कह रहा हूं, मैं रोटी बड़े खाऊंगा तो दर्शन रावल ही मुझे लग रहा है, कुमार सानू की आवाज तो नहीं लग रही, बाकी रजनी जी ने कहा कुमार सानू, तो लेडीज फर्स्ट कुमार सानू।
दर्शन रावल भी हो सकते हैं कह रहे हैं। सर सोच समझ के जवाब दीजिए, अभी मेरे मुझे पता नहीं है। तो आप ये क्वेश्चन इनसे पूछ रहे, इधर मैं कॉफी पी लेता हूँ भाई साहब। दर्शन रावल, दर्शन रावल को रोक किया जाए। आर यू रेडी? क्या किया जाए देवी जी? दर्शन रावल जी को लॉक किया जाए जी। सर डी को लॉक किया जाए, दर्शन रावल। जी चलिए कॉम्प्रोमाइज है, प्लीज लॉक सी दर्शन रावल। मैं जब टीवी में अमिताभ बच्चन साहब को देखता हूँ ना, तब भी मेरे को हंसी आती है। वो ठीक क्वेश्चन पे भी जी काटते हैं, आप भी नहीं वो कर रहे हो। देखो मैं हार्ट का पेशेंट हूँ भाई, सब जाटे वैसे चल रहे हैं। एक बार सारे कल की मार दो। ये आपका स्वागत किया जी रहने वालों ने। भाई साहब मैं बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे मैं केबीसी लेने आया हूँ, और डराना मेरा काम है। अभी कितना डरना है कितना नहीं डरना है वो आपके ऊपर है। बच्चन साहब को पैसा उसी का मिलता है जब वो ऐसा कुछ करता है। ओके आप तो सर बोल दिया जाट की जुबान में, चलिए फिर नहीं सकती हो ये। चलिए कॉम्प्रोमाइज है, हमें बताइएगा ऑप्शन सी सही है या गलत। बिल्कुल सही जवाब भेज गए, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया सर आपने। और वाकई एक सिंगर जो होता है जानते हैं कि सिंगर की आवाज किस। ये तो मैंने तुक्का मारा था, तो ये आपने चिपका दिया फिर ऐसे। तुक्का मारा था लेकिन ये तुक्का मार दिया लेकिन लग गया 100%। लग गया 100%। देखिए क्या है कि हमारा जो ज्ञान है जी, उसको परखने के लिए केवल यहाँ कार्यक्रम ना हो। कार्यक्रम इसलिए भी हो कि ये लोग सर्दी में अपने बच्चों को लेके आए हैं जी 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 जी, जिन्होंने झूले झूल लिए हैं उनके लिए एंटरटेनमेंट भी तो होना चाहिए थोड़ा जी। सही बात है, बिल्कुल सही। तो आप अमिताभ बच्चन साहब की तालीम ज्यादा मुझे झेलने के लिए, मैं एक घंटे झेलने वाले मुझे। अरे क्या बात है। अच्छा महिलाएं तालियां बजा रही है, आदमी नहीं बजा रहे, थारी चूड़ी ओढ़गा बेहतम भी बजा दो यार। चलिए रजनी जी अगला सवाल आपके लिए है, अगला प्रश्न ये आपकी स्क्रीन के ऊपर। फ्रॉम वेयर डज वीरो प्रपोज टू बसंती इन शो लाइफ? वीरो ने बसंती के लिए प्रपोज करने के लिए कहां गए थे वो? ये रहे इसके ऑप्शन, ए रूफ ऑफ द टॉप, बी नेडर टॉप, सी हिल टॉप एंड डी वाटर टैंक टॉप। वाटर टैंक टॉप मुझे नहीं पता, आप मेरे पास ऐसे मत देखिए देवी जी। लॉक किया जाए, चलिए कॉम्प्रोमाइज है, प्लीज लॉक दी वाटर टैंक टॉप। देवी जी आपने फिल्म देखी है तो डरने की बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, प्लीज क्या बिग हैंड, क्या बात है, वाह बहुत ही बढ़िया। आपने देखा देवी सज्जनों, इन्होंने जब जब भी हमने इनको सवाल पूछा बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिया, और यहाँ से आप ये बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट लेके जा रहे हैं, प्लीज इनके लिए गिफ्ट हो जाए। अरे नहीं सर, ये हम और एक पार्टिसिपेंट्स आने वाले हैं तो उनके साथ और खेलेंगे, और फिर एक बार आपको बुलाएंगे और आपके गाने भी हम सुन के जाएंगे यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने अर्जय साहब है, और अर्जय साहब ने हमारा एंकरिंग भी किया था, और अर्जय तो क्या बताए, इनके पास शब्दों का इतना भंडार होता है कि ये बोलते थकते नहीं है, और इतनी एनर्जी होती है आरजे के अंदर, क्या बताएं, बहुत कुछ सीखने जैसा होता है। बहुत बहुत बधाई सर आपको, और स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ये हमारा प्लेजर है, हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन है कि आप यहाँ पे आए हैं, करनाल की धरती पे आए हैं, तो आपका एक बार मैं स्वागत करना चाहूंगा इससे। और आज जो ये सेट लगाया है बिल्कुल एज इट इज, जैसे हम फील करते हैं टीवी पे, आज वही बिल्कुल वैसे फील कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू मच। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ये आपकी स्क्रीन के ऊपर। इस गीत में किस हीरो ने काम किया? अभी आपको एक गीत सुनाई देगा और आपको बताना है कि इस गीत में किस हीरो ने काम किया। एक बार गीत सुनाई जाए। लंदन ठुमकदा ओ जदों नच पैन दी, पूरा लंदन ठुमकदा तू घंटी बिग बैंड दी, पूरा लंदन ठुमकदा ओ
इसके ऑप्शन ए तापसी पन्नू, बी प्रियंका चोपड़ा, सी कंगना रनावत, डी दीपिका पादुकोण. इट्स सी कंगना रनावत. लॉक किया जाए? डेफिनेटली सर. सोच समझ के जवाब दीजिएगा. 200% 100% यस. चलिए कॉम्प्रोमाइज है. प्लीज लॉक सी कंगना रनावत. कंगना रनौत को लॉक किया जाए. बिल्कुल सही जवाब. क्या बात है. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. बहुत ही अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर. जेपी दत्ता फिल्म एरोसी इज बेस्ड ऑन व्हिच वॉर. जेपी दत्ता की एक फिल्म आई थी और आपको बताना है कि ऐसे कौन सा युद्ध हुआ था उसके ऊपर उन्होंने फिल्म बनाई थी. ये रहा उसका ऑप्शन ए इंडो पाक वार 1999, इंडो पाक वार 1965, सी इंडो चाइना वार 1967 एंड डी इंडो पाक वार 1971. आपके सामने स्क्रीन आप देख सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर भी है. इंडो पाक वार 1971. अगर कोई दूर हो तो लाइफ लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं आप. आपके पास 50-50 एक ऑप्शन है. 50-50 क्या टूटू करना चाहेंगे. चलिए कॉम्प्रोमाइज है. प्लीज लॉक डी. टूटू टूटू करना चाहेंगे जी. देखिए सर आपका जो जवाब दिया था वो तो गायब हो गया यहाँ से. अच्छा किया ना आपने 50-50 इस्तेमाल कर लिया. ए इंडो पाक वार 1999 लॉक किया जाए. 100% चलिए कॉम्प्रोमाइज है. प्लीज लॉक ए इंडो पाक वार 1999. अंदाजा दे दी. अंदाजे से भाई साहब कमर महाशय सर अगर आपने कहा होता कि इंडो चाइना वार 1967 तो गलत होता. बिल्कुल सही जवाब. प्लीज गो बिग हैंड. थैंक यू सर. चलिए आखिरी प्रश्न हमारे सामने अतिथि के रूप में हमारे सामने बैठे हैं और हम चाहते हैं कि अगला प्रश्न उनके सामने हो जाए. चलिए कॉपर माश है अगला प्रश्न. ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर. विच ऑफ दिस सिटी लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात इज फेमस फॉर जरी जरी वर्क. गुजरात के अंदर एक ऐसी सिटी है जो जरी वर्क के ऊपर काफी फेमस है, मशहूर है. ये रहा उसका ऑप्शन ए राजकोट, बी सुरेंद्रनगर, सी सूरत और डी अहमदाबाद. चलिए कॉम्प्रोमाइज है. प्लीज 50-50 किया जाए. दो गलत जवाब यहां से मिटा दिया गया सर. एक है सूरत और डी है अहमदाबाद. सही सूरत लॉक किया जाए. ओके बिल्कुल 100% सूरत. चलिए कॉम्प्रोमाइज है. प्लीज लॉक सी सूरत. कॉम्प्रोमाइज है. हमें बताइए इसका जवाब क्या है. बिल्कुल सही जवाब देने की कोई बात नहीं. वाह क्या बात है. आइए सर. बहुत सही जवाब दिया आपने और आपका स्वागत है. एक धक्का लून में हाथी को भी साबूत निकल जाऊं. सत्तार सिंह नाम है मेरा. मैं जब तक हर रोज 70 आदमियों को मार कर न खा लूं मुझे तो धक्का भी नहीं आती. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू मच. जी जी. ये रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई है.
हे चांदनी तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई है। ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, ये हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट के चुपके से तुमने कुछ कहा है, ये सोचता हूँ कब से गुमसुम की, जबकि मुझको भी खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मेरा दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, तुम यही हो। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। एज एन एंकर, एक सेकंड, एज एन एंकर सर मेरा भी फर्ज बनता है, मैं भी कुछ खड़का दूं आज आपके लिए। तो दो पंक्तियां मेरी तरफ से आपके लिए, कि आपके लिए चांद सितारे तक तोड़ दूं, आपके लिए मैं दिल का दरवाजा खोल दूं, आपके लिए चांद सितारे तक तोड़ दूं, आपके लिए दिल का दरवाजा तक खोल दूं, इतना झूठ इतना काफी है, दो चार झूठ और बोल दूं। रंग बरसे भीगे झूमर वाले रंग बरसे, क्या बात है, अरे किने मारे पिचकार तोरे भीगी अंगिया, ओ रंग रसिया रंग रसिया, हो रंग बरसे भीगे चुनर वाले रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाले रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाले रंग बरसे, और सोने की थारी में झोला परोसा, सोने की थारी में, सोने की थारी में झोला परोसा, और खैगुरी का यार कलम रंग बरसे भीगे झूमर वाले रंग बरसे, रंग बरसे भीगे झूमर वाले रंग बरसे, क्या बात है। अरे लौंगा इलाची का, अरे लौंगा इलाची का भाई, लौंगा इलाची का बीड़ा लगाना, लौंगा इलाची का, लौंगा इलाची का बीड़ा लगाया, जब गोरी का यार रंग बरसे, रंग बरसे भीगे झूमर वाले रंग बरसे, रंग बरसे भीगे झूमर वाले रंग बरसे, रंग बरसे भीगे झूमर वाले रंग बरसे, कंटिन्यू करेंगे। और क्योंकि मैंने काफी समय ले चुका हूं, अभी मैं चाहता हूं कि वो या इस मंच के ऊपर आए और जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए, जोरदार तालियों होनी चाहिए देव सज्जनों, क्या बात है, हरियाणवी सुपर।
सर के लिए। सर आपके स्वागत के लिए कुछ पंक्तियां हैं मेरे पास। आप यो पहले बम्बर भूसा पकड़ो, आवाज से ना आओगी तो फायदा के। आप पंक्ति सुनो। सर आपके स्वागत के लिए दो पंक्तियां हैं मेरे पास, और उन्हें कहने से पहले मैं कुछ कहना चाहूंगी कि हमारे करनाल वाले बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इस पल का, आपके बुलंद आवाज को सुनने का। तो करनाल वालों की ओर से आपके लिए, कि जैसे आसमान में सितारों के बीच चमकता है चांद, कि जैसे आसमान में सितारों के बीच चमकता है चांद, वैसे ही भूषण है गजेंद्र फोगाट का नाम। प्लीज जोरदार तालियां। तो एक छोटा सा परिचय मैं आपको देना चाहता हूं। मेरा नाम है प्रोफेसर शशिकांत पिडवाल, मैं आया हूं पुणे से। और देव और सज्जनों, ऐसे कई काम होते हैं जो बच्चन साहब के मुझे करने पड़ते हैं। फिल्म जून अभी आई थी और जून के अंदर कई सारे रोल मैंने किए हैं। और अभी केबीसी का जो आप एपिसोड देखा होगा, बच्चन साहब का जन्मदिन था 11 अक्टूबर को, बच्चन साहब का जन्मदिन था। और उस एपिसोड में जो बच्चन साहब को दिखाया गया कि घाट के ऊपर बच्चन साहब शॉल के ऊपर चल रहे हैं, वो बच्चन साहब नहीं, वो मैं हूँ। ऐसे कई जगह पे जितने भी कई सारी एड है उसमें मैं काम करता हूँ। और ये आप सब लोगों का आशीर्वाद है, आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है, इसलिए मुझे काम मिलता है। फिर एक बार आप सबको धन्यवाद देता हूँ। और जाते जाते से एक ही बात कहूंगा मैं कि फूल कांटों से जुदा होते हैं, फूल कांटों से जुदा होते हैं उसकी खुशबू से नहीं, फूल कांटों से जुदा होते हैं उसकी खुशबू से नहीं, हम आपसे जुदा हो रहे हैं आपके प्यार से नहीं। अनेक अनेक धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, बिल्कुल 10-15 सेकंड की है। जंगल में आग लग गई और एक चिड़िया अपनी चोंच में पानी भर के उसे बुझाने लग गई। साहब एक आदमी ने देख लिया, वो बोला तेरा दिमाग खराब है, तेरी चिड़िया के चोंच के पानी से ये जंगल की आग बुझेगी क्या, मूर्ख है, शाम तक लगी रहे एक पेड़ का पत्ता ना बुझे, इतना बड़ा जंगल कैसे बुझा देगी। उसने कहा मुझे पता है जंगल में लगी आग मेरे चोंच के पानी से नहीं बुझेगी। तो बोला फिर क्यों प्रयास कर रही है, वो बोली मेरे प्रयास का कारण सिर्फ इतना है कि जब इतिहास में जंगल में लगी आग का जिक्र होगा तो बुझाने वालों में मेरा नाम भी लिखा जाएगा। ये जो आप लोग यहाँ पे आए हो ना अपने बच्चों को खुश करने के लिए, अपनी खुशी के लिए, बहुत लोग घर पे नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम का सब्सक्रिप्शन लेके फिल्में देख रहे हैं इंग्लिश की, हॉरर, लोग पैसे लगा के डर रहे हैं। मतलब आदमी हॉरर फिल्म देख रहा है, वाइफ ने पीछे से चाय के लिए हाथ लगाया तो डर गया, एकदम से अपनी वाइफ से डर गया वो, क्योंकि वो हॉरर फिल्म देख रहा था। पैसे सब्सक्रिप्शन लेके लोग डर रहे हैं। तो आप लोग बड़े कीमती लोग हो साहब, जो खुश होने के लिए यहाँ पे आए हो। ऐसा लाइव एंटरटेनमेंट मिलता नहीं है आजकल लोगों की मानसिक दरिद्रता पे, मानसिक भिखारीपन पे। मेरे को तो बड़ा रश्क होता है भाई, तुम लोग कितने बेवकूफ हो, घर पे आप नकली एंटरटेनमेंट लिए पड़े हो, यहाँ पे असली एंटरटेनमेंट था, उसके बावजूद बहुत कम लोग आए। मेरी आशा है कि ये जो चिड़िया की चोंच में पानी भर के आग बुझाने वाले ये 10-12 युवा बैठे हैं, मुझे लगता है कि इनका प्रयास एक दिन जरूर सफल होगा। आपके हाथ अगर खुले हो तो खड़े करके हाथ इनके लिए तालियां बजा दो, ये बच्चे जिनके मुंह मुरझाए हुए। थैंक यू। मैं आपको कुछ सुना जाता हूं। टूटा बड़ा बिखरा था पेड़े सह नहीं पाया, हवाओं के इशारों पर मगर मैं बह नहीं पाया, अधूरा अनसुना ही रह गया यूं प्यार का किस्सा, कभी तुम सुन नहीं पाई कभी मैं कह नहीं पाया। यो पानी अख्या का आज से आई थिंक 13-14 साल पहले 2007-08 में ये मेरा गाना आया था रिदम नीची। आज से 13-14 साल पहले जिन लोगों का दिल टूटा होगा, यानी कि जो आज मम्मी पापा बने हुए, ये उन लोगों का गाना है। और इसलिए मम्मियां ही मुस्कुरा रही हैं, क्योंकि उन दिनों में हम भी जवान थे, आप लोग भी जवान थी। 2007 की बात है, 15 साल हो गए। हो मेरी कुछ तलक थी, आप थोड़ा सा डिले डाल दीजिए। मेरी कुछ तलक थी जो गया भुलाया ना, यो पानी अख्या का बिन बात तो आया ना। थैंक यू। वाहो मजबूर गई कर सुपने चू
कितने भी दूर गई, तकती मेरे सुपनिया की तने लिखना आया ना, वो तकती मेरे सुपने की तने लिखना आया ना। पानी आख्या कि जो मजा होता है ना, मजा वो अपने अंदर होता है। समस्या क्या होती है कि हमारे पास प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, वो प्रॉब्लम्स की जो धूल है, वो जो मिट्टी है, वो उन मजे के ऊपर बहुत ज्यादा गहरा जाती है। उसको सफाई करने की जरूरत है, और वो सफाई सिर्फ आप ही करोगे, मैं नहीं करूंगा। मैं तो सिर्फ गा के चला जाऊंगा, आपको प्रयास करना पड़ेगा। दोस्तों, डिप्रेशन हर आदमी की जिंदगी में आता है, लेकिन इंडिया में हर पांचवा आदमी डिप्रेशन में है, अमेरिका में हर तीसरा है। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिप्रेशन की बन चुकी है, उससे लड़ना आपको ही पड़ेगा। मैं या कोई डॉक्टर नहीं लड़ सकता। ये एंटी डिप्रेशन खा खा के जितने लोग बेचारे अंधेरे कमरों में पड़े, उन्हें उठाओ, अच्छे दोस्त बनाओ, शेयरिंग करो। फेसबुक पे 5,000 फ्रेंड है, लेकिन अपने सगे भाई से और अपने माँ बाप से बातचीत बंद कर रखी है। डिप्रेशन इसलिए है, आज हमने फेसबुक के रिश्ते बना लिए, व्हाट्सएप पे शादी के इन्विटेशन भेजते हैं, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम लोग घर पे जाके कह सके भाई साहब एक कप चाय पिलाओ, बिटिया की शादी है, आप सारे परिवार को आना है। समस्या यह है, हमने रिश्तों को सहेजना छोड़ दिया है। पहले गांव की बुड्ढी घर के बाहर बैठती थी कि कोई कुत्ता बिल्ली अंदर ना घुस जाए, आजकल हम घर के बाहर कुत्ता बांधते कोई आदमी अंदर ना घुस जाए। सब कुछ उल्टा हो गया है। समस्या यहाँ है, समस्या हम में है। समस्या टीवी में नहीं है, मोबाइल में नहीं है, उसका इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं, समस्या उसमें है। प्रॉब्लम ये है कि एक बंदूक तो आतंकवादी के हाथ में भी है, और एक पुलिस वाले और फौजी अफसर के हाथ में भी है। अफसर को पता है दुश्मन कौन है जिसपे गोली चलानी है, अपना आदमी कौन है जिसपे नहीं चलानी। आतंकवादी को नहीं पता, वो सबको मारेगा। हमने मोबाइल को आतंकवादी की तरह चलाना शुरू कर दिया, सैनिक की तरह शुरू करो। और यूथ से मेरा रिक्वेस्ट है, युवाओं से मेरा रिक्वेस्ट है, भाई आपके अंदर जो एनर्जी है वो यूरेनियम की तरह, जिससे बिजली भी बनाई जा सकती है और बम भी बनाया जा सकता है। अपनी एनर्जी से बिजली बनाओ, बम ना बनाओ। मैं भूकाले की एक स्थायित्रा सुना देता हूँ, फिर मेरे को जाना है रोहतक, तो इसलिए थोड़ा सा आपसे माफी भी चाहूंगा। बहुत बढ़िया। और ये झूला जिसका भी है, इसमें तेल ग्रीस कराओ, बहुत डर लगता है इसके पास खड़े होने से, इसके सारे पुर्जे पास में लाग रहे हैं। ये मेटाडोर का तो नहीं बना रखा है झूला। हाँ जी चले बजाओ। Thank you.
दिया, रोक ले यार, जो मैंने भाषण दिया उसका जिन जिन लोगों में फर्क पड़ा हो, जितने बच्चे और जितने मतलब मेरे दोस्त है वो सारे स्टेज पे आ जाए, एक बार मेरे साथ आओ, आने दे भाई आने दे, वो छोटे बस से आदमी को ना रोक लाग रहे। ऑर्गेनाइजर भी कमाल का है, 40 दर्शक से 45 बाउंसर है। ये अगर लड़कियां आती हैं तो वो उधर डांस करेंगी, अपने दोस्त इधर आएंगे, बॉयज आप इधर आओ जी, सारी वीडियो बढ़ाइए भाई, अब दोस्त सारे इधर आएंगे लड़के, अरे बाउंसर तो लगे करो, तुम भी ऊपर आओ ईप के रोको, और लड़कियां इधर आएंगी, आप इधर आ जाओ बेटा, लड़कियां और बच्चे इधर हो जाओ बेशक, आप इधर, हाँ जी थैंक यू, लड़कियां इधर आ जाओ और लड़के इधर हो जाओ। उत्ता का से काम, अभी बहुत ज्यादा रिवर क्यों आ रहा है, उत्ता का से काम बावली ज्यादा नागर कहिए रे, उत्ता का से काम बावली ज्यादा नागर कहिए रे, उत्ता का से काम बावली ज्यादा नागर कहिए रे, उत्ता का से काम बावली ज्यादा नागर कहिए रे, उड़ जाइए रे कबूतर उड़ जाइए रे, बहुत फास्ट है ये, बस अरे ऊंचा उठा दे, बोल हाँ जी, मेरे फोड़े कर्म के चले
गाइज हम घर आ चुके हैं एंड ओवरऑल अच्छा था, बट अगर ये सैटरडे ना रख के संडे रखते तो और भीड़ होती और मजा आता सबको, क्योंकि क्राउड कम था, वो बार बार तालियां बोल रहे थे, कोई मार ही नहीं रहा था क्योंकि जगह नहीं थी, जगह मतलब लोग नहीं थे। और लास्ट में जो सिंगर था वो भी ठीक ठाक था, मतलब हम तो नहीं जानते ऐसे हरियाणवी सिंगर को, बट उसने लास्ट में हरकत क्या करी, वो स्टेज से उतरा सीधा, वो जो रेलिंग्स लगी हुई थी वो टापा और जाके गाड़ी में बैठ गया बिना कुछ बताए, बिना किसी को थैंक यू करे ऑडियंस का। जैसे कोई आर्टिस्ट आता वो बोलता ना थैंक यू आपने इतना सपोर्ट दिया, लाइक सारे कर रहे थे जैसे कि अच्छा लगा मुझे यहाँ आके, ऐसा कुछ नहीं। वो गाता गाता माइक छोड़ा और भागता भागता हमें लगा ऑडियंस में आएगा, बट वो वहीं से रेलिंग से टापा और गाड़ी में बैठ के चला गया। मतलब अजीब सा सिस्टम लगा वो, कि अगर कोई आर्टिस्ट ऐसे आता है तो वो डिसरिस्पेक्ट करके जा रहा है सामने वाले की, क्योंकि जो म्यूजिशियन बैठे हुए थे वो बजाते रहे, उनको क्या पता था। तो ये चीज नहीं अच्छी लगी, बाकी ओवरऑल बढ़िया था, मजा आया। और थोड़ा सा लेट हो गए, हमें भी बज गई थी 10:15 घर आते आते। तो आई होप ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय।